हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 2 DIY के बारे में बताऊंगी, जो इस प्रकार है। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की मैंने नेट का कपड़ा लिया है। ये एक चूड़ी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये बड़ी साइज़ की जो चूड़ी है, इसको अंदर मैं इस नेट के कपड़े के अंदर बांध दूँगी इस तरह से। देखिए, कोई सा भी धागा आप ले सकते हैं, पर धागा पतला लें, मैचिंग का लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको ऐसे राउंड शेप में बांध के ऐसे तैयार कर लेंगे और नीचे हम इसको कैंची से कट कर देंगे इस तरह से। अब मैं इन पे लगाने के लिए गणपति का पैच यूज कर रही हूँ, जो शादी के कार्ड होते हैं उनमें लगे हुए, तो वहाँ से मैंने ये निकाला और इस पे लगा रही हूँ मैं इस तरह से। देखिए, इसको लगाने के बाद ये जो पुरानी जो राखियाँ पड़ी थी उनको मैंने इकट्ठा करके ये लटकन बनाया और इसमें मैंने इस तरह से टक कर दिया है। अब ऊपर हम इसको टांगने के लिए इसमें ये मोती यूज़ करेंगे मैचिंग की, और साथ में ऊपर एक लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा तैयार है। इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे का फाइनल लुक। अब दूसरा हम जो है DIY शुरू करते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। चूड़ी को इस कपड़े में अंदर बंद करके ऐसे बांध देंगे। फिर ये हमने मोर पंख लगा दिया, फिर एक रोज़ लगा दिया। ये सब हमारे हाथ का बना हुआ। और ये जो मुरली है, ये मैंने स्केच कलर से पेका और उससे बनाई। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से बना के लगा दिया है। अब इसको भी हम मोतियों से टक कर देंगे, ऊपर हुक लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों DIY तैयार हैं। और हमने ये ग्लिटर सीड से राधे लिख कर इसमें लगा दिया था, लेकिन हमने पहले इसको सिंपल तरीके से तैयार किया था, तो ये इस तरह से दिख रहा है। फिर बाद में हमने इसमें राधे जो लिखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारे दोनों DIY तैयार हैं। बताइए कैसे लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।